हाय फ्रेंड्स, ओके ओडियाटिक यूट्यूब चैनल रे आपन मानको स्वागत। आज होची शुक्रवार 25 तारीख। आज रो केतुटी बडो खबर चालंतु जानि। नंबर 1, गणेश पूजा रे आसीबो जियो रो स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट। रिलायंस इंडस्ट्री रे चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो ओ गूगल रो मिलित भाबरे प्रस्तुत करितबा एक 4G स्मार्टफोन फोन संपर्क रे घोषणा करछन्दि। आसंता सेप्टेम्बर 10 गणेश पूजा रे ही स्मार्टफोन बाजार रे उपलब्ध हबो। यहा ना रहिछि जियो फोन नेक्स्ट। यहा सब वर्ग रे लोकन पई सुलभ मूल्य रे बिक्री हबो बोली मुकेश अंबानी कहिछन्दि। सब प्रकार अत्याधुनिक फीचर रे भर्ती एही फोन भारतीय मोबाइल बाजार रे बेस आदृत हबो बोली से आशा करछन्दि। एही फोन रे एकदम विकसित नुवा वर्जन रो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एही मोबाइल रे फोन रे अछि। वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन टेक्स्ट, ऑटोमेटेड रीड अलाउड व्यवस्था, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा भले अनेक फीचर रहिछे फोन रे। नंबर 2, 6 कोटी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को पाई बड़ खबर। सरकार अलग अलग करि परंती पेंशन और पीएफ अकाउंट। सरकार एबे पेंशन और प्रोविडेंट फंड को अलग अलग करिवार विचार करछन्ती। एहा पछरे सरकार को एक उद्देश्य रहिछे जेबे कर्मचारी अवसर नेबे तांको पाखरे पेंशन लो भलो पैसा रहबो। ईपीएफओ फॉर्मल सेक्टर 6 कोटी कर्मचारी को पाई एहा ऊपर निष्पत्ति निया जाइछे। आपणको कहि रखुछु कि कर्मचारी तांको कंपनी तरफरु 12-12% अर्थात 24% योगदान प्रोविडेंट फंड रे करा जाय। एथिरु 8.33% भाग एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम बा ईपीएस को जाए। नंबर 3, आगामी 24 घंटा रे 8 जिला रे प्रबल वर्षा संभावना। संभाव्य बन्या दृष्टि रखी प्रस्तुत रहबा को मुख्यमंत्री को निर्देश। राज्य रे एबे मौसमी सक्रिय थिबारु विभिन्न जिला रे वर्षा जारी रहिछि। गत 24 दिन रे अर्थात गत 1 रु 24 तारीख मध्ये रे ओडिसा 156 मिलीमीटर वृष्टिपात रेकॉर्ड करा जाइछि, जहां स्वाभाविक वर्षा 146 मिलीमीटर थारु 7% अधिक। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि जे तबे रायगडा, कंधमाल और केउंझर आदि 7 जिला रे नियंत्रण रहिछि वर्षा। तबे आसंता 27 तारीख पर्यंत राज्य रे विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। एथिपई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, संबलपुर, अनुगुल, देवगढ़, केउंझर, ढेंकानाल आदि जिले रे प्रबल वर्षा नै सूचना सतर्क जारी करिछि। नंबर 4, समस्त राज्य बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जुलाई 31 सुधा द्वादश फलाफल घोषणा करो। अधिकांश राज्य समान को द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करछन्ती। एबल परिस्थिति रे सुप्रीम कोर्ट सेही समस्त राज्य बोर्ड को जुलाई 31 सुधा द्वादश फलाफल घोषणा करबा को निर्देश दैछन्ती। सुप्रीम कोर्ट कहिछन्ती जे जेउ राज्य गुडी को एपर्यंत आभ्यंतरीण मूल्यायन योजना प्रस्तुत करिनाती समानकर 10 दिन समय अछि। एहा पूर्वरु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट को कहिछि जे दशम श्रेणी एवं एकादश श्रेणी फलाफल को आधार कर द्वादश श्रेणी छात्र अंकन मूल्यायन करने मानदंड। नंबर 5, आज ही मैट्रिक रिजल्ट संध्या 6 पर वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित मैट्रिक स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यम परीक्षा फल आज ही प्रकाश पाइब। कटक बीएससी मुख्यालय में अपराह 4 बजे प्रकाश पाइब। संध्या 6 पर वेबसाइट रे जल्दी उपलब्ध हेबो। bscodisha.sc.in और bscodisha.nic.in वेबसाइट रे एही रिजल्ट उपलब्ध हेबो। इंटरनेट रो सुविधा नथिले एसएमएस माध्यम रे भी परीक्षा फल परीक्षार्थी पाई परबे। एथि पई OR01 रोल नंबर लेखि 5676750 को एसएमएस को पठाइबे खबो, फलते आपन रोल रिजल्ट पाई परबे। नंबर 6, बरगड़ उ शासन कैनाल नवीकरण पई 400 कोटी मंजूर। पश्चिम ओडिशा भातहांडी एबे परिचित हीराकुद सेचांचल चाषी मान बहुत बड़ खुशी खबर रही। यह सेचांचल 2 प्रमुख कैनाल बरगड़ और शासन कैनाल नवीकरण पर 400 कोटी टंकार एक बृहत प्रकल्प को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मंजूर देते, जद्वारा दीर्घ दशंधि धरी लग रही जलसेचन समस्या समाधान हो पारे आशा प्रकाश कर। बरगड़ और शासन कैनाल जलसेचन द्वारा बरगड़, संबलपुर और सुवर्णपुर जिलार एक विशाल अंचल शस्यशमला हो पार्टी। तेज 60 वर्ष ऊर्ध पुरतन ही कैनाल दुई मध्य दीर्घ 6 दशंधि धरी कौन मरामत निराविच्छिन्न भाव जलसेचन चली जाए, तेणु बर्तमान यार संपूर्ण नवीकरण करने नितांत आवश्यक हो पड़ी। नंबर 7, ओमफेड चाषी मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। ओमफेड दुग्ध चाषी कोविड सहायता घोषणा करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कोरोना पर चाषी मान रोजगार कमी थे बेले गाई गोरों खाद्यपी असुविधार सम्मुखीन होती, तेणु प्रत्येक चाषी गो खाद्य बाबद को 6,000 टंका लेखाएं सहायता पाए मुख्यमंत्री घोषणा करते। 11 कोटी टंका खर्च हो 1.2 लक्ष चाषी उपकृत हे। सहायता घोषणा करने अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे कोरोना पर सब क्षेत्र में मंदा अवस्था थी बेले केवल कृषि और यार आनुषंगिक क्षेत्र अर्थनीति को शक्ति जगह। लॉकडाउन और सटडाउन चाषी मैंने उत्पादन कार्य जारी रखिंट।